आप क्या करते हैं? जी मैं इवेंट मैनेजमेंट का काम करती हूँ। और आप क्या करते हैं? मेरी खुद की इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी। मैं काव्या से वहीं मिला। मैं और काव्या रिलेशन में हैं 4 साल से। आप दोनों की शादी नहीं हुई? मैं चाहता हूँ कि अब हमारी शादी हो जानी चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है? मुझे और वक्त चाहिए। मोहित मेरी बात को समझ नहीं रहा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए आपके पास आया। क्या प्रॉब्लम है काव्या? मुझे लगता है मोहित इज राइट फॉर मी और नॉट। तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए मुझे। पर मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। इन्हें मुझसे शादी भी नहीं करनी, ये श्योर भी नहीं है, और मुझे छोड़ना भी नहीं चाहती। शादी की बात कितने महीने पहले हुई थी काव्या? 1 महीने पहले। Have you started dating someone else? Yes. मैं चीटेड हूँ? नहीं, मैं बताने वाली थी। कब बताने वाली? आज बताने वाली थी। आज क्यों बताने वाली? वो तुम्हारा दिल ना टूट जाए और तुम्हें कैसे रिकवर करना है ये तुम्हें पता चल जाए। एक्चुअली यू नो ना हाउ मच आई लव यू। मतलब आप यहाँ ब्रेकअप करने आई थी? आई डोंट लाइक दिस वर्ड। इसका मैं क्या मतलब निकाले? अगर ये तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम इसे जाने क्यों नहीं दे रहे? मैंने कब बोला कि ये ना जाए? मैं तो ये जब बोले तब इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ब्रेकअप से? नहीं। अच्छा, तो तुम्हें दर्द भी नहीं हो रहा? ना। जब बंदे को दर्द नहीं हो रहा है तो तुम जबरदस्ती दर्द करा दोगी क्या? और तुम्हें अब इन सब चीजों से क्या? पर तुमने ही कहा था कि तुम मॉम डैड को बताओगे हमारे शादी के बारे में। शादी? अरे किससे शादी करूँ? मुझसे। तुमसे? तुमसे कैसे शादी करूँ? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे किसी गाय बकरी या घोड़ी से शादी कर लेना चाहिए। आपको उनसे शादी नहीं करनी तो आपसे शादी कैसे होगी? मैंने ऐसे कब बोला? मैं तो बस ये बोल रही थी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, प्लस मैं किसी और को डेट भी कर रही हूँ, इससे मोहित का दिल ना टूट जाए। अब ये क्या बात है? शायद मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। तुम्हें ओपन रिलेशनशिप में रहना है। यस यस यू गॉट मी। मैं यही कहना चाह रही थी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? फाइनली आई कैन डेट राधिका। फाइनली मैं भी फ्री हूँ। अब ये राधिका कौन है? बेबी, हम लोग ओपन रिलेशनशिप, तुम भूल गई। या तुम्हें जो करना है करो, यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस। चलो फाइनली आप दोनों कहीं तो कंक्लूड किए और अब आप दोनों का रिलेशनशिप स्टेटस भी क्लियर है। सो अब आपको आगे कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअली हम दोनों ओपन रिलेशनशिप में पहली बार आए हैं तो। ठीक है, जैसा आप लोग को ठीक लगे। मुझे कहीं निकलना है तो आप लोग से अब नेक्स्ट विजिट में बात होगी। ठीक है। मैं बेकार का क्यों आना है? मैं यहाँ अपने रिलेशनशिप के लिए नहीं आ रही हूँ। 20,000 दिए 3 सिटिंग के, पैसे बर्बाद होंगे ना। ओह, कमाल का लॉजिक है।